हेलो व्यूअर्स, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बात करेंगे और कोई स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर बात नहीं करूँगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। जो भी बात करेंगे यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड करेंगे और उन लोगों के मन में जो लोग मार्केट को भला बुरा कहते हैं, जो लोग मार्केट से डरते हैं, जो लोग मार्केट में आते हैं लेकिन मार्केट में ज़्यादा दिन रह नहीं पाते हैं, उनके लिए यहाँ पर मैं कुछ अपने मतलब मैं क्या सोचता हूँ मार्केट के बारे में और आपको क्या करना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात है यहाँ पर। मैं जो भी बोलूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही करना है, आपको डिसीजन अपना लेना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वही करना है। सुनिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आपके मन में आएगी वो है मार्केट, स्टॉक मार्केट। ये नाम ही आपको डरा देगा। स्टॉक मार्केट, ये जो नाम है, ये नाम आपको डरा देगा कि यहाँ पर तो पैसा डूब जाता है, यहाँ पर लॉस होता है। आप बचपन से लेकर आज तक जब भी जिस किसी से भी आप सुने होंगे, ज़्यादातर केस में अगर उनका एक एवरेज निकाला जाए तो मोस्ट ऑफ पीपल आपको यही कहेंगे कि ये रिस्की जगह है बेटा, यहाँ पर रिस्क मत लियो, यहाँ पर आपका पैसा डूब जाएगा। आपके बुज़ुर्ग जो है घर पे हैं वो लोग भी यही कहेंगे। अगर आपके माता पिता देखें तो वो लोग भी आपको समझाएंगे। अगर उनको मार्केट के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता तो वो लोग भी आपको समझाएंगे कि बेटा देखो, तुम पैसा कमा तो रहे हो लेकिन वहाँ उसको अच्छी जगह पर रखो जहाँ पर तुम्हारा पैसा सुरक्षित रहे, और शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट, ये सारी इन जगहों से तुम दूर रहो। ये बात आपको समझाया जाता था, बताया जाता था, सिखाया जाता था, ठीक है। लेकिन तब भी आप नहीं माने। क्यों नहीं माने? क्योंकि आप पैसे से प्यार करते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें, ज़्यादातर केसेस में यही देखा जाएगा। मुझे नहीं पता, ये सर्वे मैंने करके देखा नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है स्टॉक मार्केट में आते वही लोग हैं जो लोग पैसे से प्यार करते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आते वही लोग हैं जो पैसे से प्यार करते हैं। आप भी पैसे को प्यार करने वाला एक इंसान है, ठीक है। तो आपको डरना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर अनलिमिटेड मनी है। यहाँ पर आप सोच नहीं पाएंगे कि आप यहाँ पर कितना पैसा कमा सकते हैं, आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर उतना ज़्यादा रिस्क भी है। जैसा अनलिमिटेड मनी है वही यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क भी आपके लिए बैठा हुआ है, आपके लिए वेट कर रहा है। जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, उसी तरह जहाँ पर अनलिमिटेड पैसा आपके लिए वेट कर रहा है उसी तरफ आपके लिए अनलिमिटेड रिस्क भी वेट कर रहा है। जो आपके घर पे जो बुज़ुर्ग हैं और बाकी के जो आपके दोस्त वगैरह जो हैं जो कहते हैं मार्केट रिस्क की जगह है, तो उनका भी बात यहाँ पर सही है कि यहाँ पर आपके लिए अनलिमिटेड रिस्क भी वेट कर रहा है अनलिमिटेड मनी के साथ साथ। तो आपको क्या करना चाहिए? आप तो भाई पैसे से प्यार करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपको करना वही है जो मतलब 100-150 सालों से इन्वेस्टर्स अपने लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप देखिए, यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस भी है जैसे कि आपको मैंने कहा। अगर आप देखिए, आप आए किस लिए हैं स्टॉक मार्केट में, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। और जो 100-150-200 सालों से जो चल रहा है कि मार्केट में पैसा कैसे बनता है, एक जो रूल चल रहा है, मतलब एक रूल नहीं कह सकते, मतलब यही मार्केट का नीति है, यही मार्केट का रिवाज है, यही मार्केट में टिकने का मतलब मूल मंत्र है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कोई स्टूडेंट उसको अच्छे मार्क्स, मतलब उसको अच्छे मार्क्स किस वजह से मिलते हैं? अगर वो अच्छी पढ़ाई करेगा तभी उसको जाकर एक अच्छा रिज़ल्ट उसको मिलेगा, ठीक है। उसके लिए एक स्टूडेंट को अच्छी से पढ़ाई करना होगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखें, जो मतलब एक कारपेंटर है वो लकड़ी से बनाई हुई चीज़ें बनाता है, वो एक अच्छा कारपेंटर कब बनेगा? जो जब तक वो अपने दिल से, लगन से, सच्ची लगन से, जब तक ठीक तरह से बहुत मेहनत करने के बाद जब तक वो उस हुनर को अपने अंदर झोंक नहीं पाएगा, तब तक वो एक अच्छा कारपेंटर नहीं बन पाएगा, ठीक है। और एक बात, मार्केट में टिके रहने के लिए भी एक रूल है। जब तक आप
एक अच्छी तरह से अपने आप को ये समझा नहीं पाते हैं कि मैं तब तक नहीं निकलूँगा जब तक मुझको प्रॉफिट नहीं होता, मैं तब तक नहीं निकलूँगा जब तक मुझको प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, आप किसी ऐसे स्टॉक को लेकर मत बैठ जाइए कि जो स्टॉक आपको रिटर्न ही अच्छा नहीं दे पाए। इसीलिए मार्केट में मतलब आ तो गए हैं और इन्वेस्ट करने से पहले किसी कंपनी के बारे में, किसी स्टॉक के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से अपना रिसर्च कर ले कि आगे आने वाले टाइम पे जब वो स्टॉक का प्राइस गिर जाए तब आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मार्केट में उस स्टॉक का प्राइस गिर रहा है लेकिन अगर आप उसके उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करके बैठे हुए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, देख लिए हैं कि मार्केट ये स्टॉक तो ऊपर जाएगा, ये कंपनी तो ग्रो करेगी, तब आप पैनिक मत कीजिए, तब आप ज़्यादा पैनिक मत कीजिए, तब आप उस स्टॉक को होल्ड कीजिए। उसी तरह जब तक आप उस स्टॉक में प्रॉफिट नहीं होगा तब तक अगर आप नहीं निकलेंगे तो आप यहाँ पर पैसा बना लेंगे, लेकिन उससे पहले स्टॉक सिलेक्शन में गलती नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपको यही कहता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन में गलती नहीं होना चाहिए, स्टॉक सिलेक्शन में गलती नहीं होना चाहिए। तो यही एक रूल है कि मार्केट में आपको टिके रहना होगा तब तक जब तक आपको ताबड़तोड़ यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिल जाता। ठीक है, उसके बाद क्या इतना आसान है, ये सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या इतना आसान है? आप मार्केट में आए हैं, मार्केट में आपको हज़ारों स्टॉक मिलेंगे, उनमें से आपको वही स्टॉक्स चूज़ करने होंगे जिनका फ्यूचर अच्छा है, जिनकी कंपनी अच्छी है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, जिनका बैलेंस शीट अच्छा है और जो आगे चलकर ग्रो कर पाएगी। तो अगर आप अमूमन देखें तो ज़्यादातर लोग मार्केट में आकर बर्बाद क्यों होते हैं जानते हैं? ज़्यादातर लोग मार्केट में आकर, स्टॉक मार्केट में आकर बर्बाद क्यों होते हैं जानते हैं? वो अपने करियर के स्टार्टिंग में, मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट का करियर बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट में वो आते ही वो ढूंढने लगेगा कि कौन सा स्टॉक सबसे सस्ता है, कि कौन सा स्टॉक सबसे सस्ता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक मैं क्या सोचता हूँ ये आपको बताना चाहूँगा। एक ज़माना था जब स्टॉक्स के प्राइस बहुत कम हुआ करते थे, मैं आज से 20-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब 2 रुपये का कोई स्टॉक आज 1000 हो गया, तब 5 रुपये का कोई स्टॉक आज 500 हो गया। आपके मन में ये जो थॉट्स है ये जगह बनाकर बैठे हैं कि तब कोई ने यहाँ पर 5 रुपये में स्टॉक खरीदा था और आज उसका भाव 500 हो गया, तो आज भी आप 5 रुपये का स्टॉक ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है कि अगर आप तब 20-30 साल पहले अगर आप 5 रुपये का वैल्यूएशन निकालेंगे तो वो वैल्यूएशन कितना होता है ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। इन्फ्लेशन कितना, उस प्राइस को कितना हाई करके ले, मतलब कितना ऊंचाई तक लेके आया उस 5 रुपये की प्राइस को 30 साल में, वो भी आपको कैलकुलेट करना होगा। उसी के बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर मतलब ऐसे प्राइस के ऊपर जो स्टॉक ट्रेड करो ऐप्स को, ऐसे स्टॉक यहाँ पर अपने लिए चूज़ करना होगा। लेकिन आपके मन में तो यही सवाल बैठा, मतलब यही एक बात बैठी हुई है कि उस ज़माने में उस आदमी ने 5 रुपये में वो वाला स्टॉक खरीदा था, आज उस प्राइस स्टॉक का प्राइस 500 हो गया। तो ये गलती मत कीजिए मेरे भाई, ये गलती मत कीजिए सर, ये गलती मत कीजिए। मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा, 5 रुपये का भाव, 10 रुपये का भाव, 2 रुपये का भाव, 1 रुपये का भाव, ये जो भाव है ये 30 साल पहले बहुत हुआ करता था लेकिन आज की डेट में ये भाव ठीक नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जो आप अपने करियर के स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट में आप आ तो गए लेकिन आप यहाँ पर ढूंढ रहे हैं पेनी स्टॉक, जिस स्टॉक का प्राइस बहुत पिटा हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है, ऐसे स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं, तो ये काम सबसे पहले करना बंद कर दीजिए। ठीक है, 5 रुपये का प्राइस उस ज़माने में क्या था उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए और आज के भाव में कौन से स्टॉक उस भाव पे मिल रहे हैं ये आप देखिए। ठीक है, ना कि 5 रुपये का स्टॉक आज की डेट में ढूंढना, ये गलती मत कीजिए। ये बहुत ही मतलब बहुत बुरी आदत है जो अमूमन केस में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर कर बैठते हैं और मार्केट में इतना ज़्यादा पिट जाते हैं कि मार्केट से वो निकल जाते हैं और ज़िंदगी भर गाली देते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाइए। लोगों को यहाँ पर इनकरेज करने के जगह उनको मना करते हैं कि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मत जाओ। तो गलती आपने की, आप किसी और को आने से रोक रहे हैं, ये भी करना बंद कर दीजिए। मार्केट में आता वही बंदा है जो पैसे से प्यार करता है, लेकिन पैसे से प्यार करना अलग चीज़ है और यहाँ पर पैसे से प्यार करना अलग चीज़ है और लालच अलग चीज़ है। ठीक है, ये दो चीज़ बहुत ही अलग अलग चीज़ है, लालच और पैसे से प्यार। पैसे से प्यार अगर आप करते हैं तो आप अपने पैसे को कभी भी खोना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप पैसे की, आपको पैसे की लालच है तो आप अपने पैसे को कहीं भी लगा देंगे।
कहीं भी लगा देंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले दिखता हुआ दिखे आप वहीं पे लगा देंगे। वहाँ पर आप जो रिस्क वगैरह है वो सारा कुछ आप नहीं देखेंगे क्योंकि आप लालची हो चुके हैं। आप पैसे से प्यार नहीं करते हैं। पैसे से प्यार करना सीखिए, मार्केट आपको पैसा बनाकर देगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको स्टॉक सिलेक्शन में गलती नहीं करना चाहिए। और पेनी स्टॉक जो स्टॉक है 30 साल पहले के 5 रुपये के भाव वाला जो स्टॉक है और आज 5 रुपये में जो स्टॉक है, इनके बीच का अंतर जो है ये ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पॉइंट है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपने ये गलती की है तो अपने पोर्टफोलियो के एक बार चेक कीजिए, ठीक तरह से चेक कीजिए और कंपनियों के बारे में एक बार फंडामेंटल एनालाइज खुद से कीजिए। क्या आपने आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स पड़े हैं क्या वो आपको अगले मतलब आने वाले दिनों में अच्छा पैसा कमा कर दे सकता है? आपको देखना चाहिए। और एक चीज़ जब कोई अच्छा स्टॉक किसी छोटी सी वजह के लिए जो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, जो मतलब 1-2 महीने में या फिर 1 साल में ठीक हो जाएंगे, लेकिन कंपनी बेहतरीन कंपनी है लेकिन उसका प्राइस गिर रहा है, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नज़र जमा के रखना है क्योंकि तब वो स्टॉक आपको नीचे मिलेंगे। और तब आपको डरना नहीं चाहिए। क्यों डरना नहीं चाहिए? क्योंकि उससे पहले आपको रिसर्च करना होगा कि ये कंपनी गिर तो रही है, क्या ये कंपनी वापस से ऊपर जा पाएगी, ये भी आपको समझना होगा। आपको समझना होगा, ठीक है। मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ तो कोई भी नहीं कह सकता। बहुत से अच्छी कंपनी है जिनका स्टॉक प्राइस उस मतलब जब वो कंपनी अपने मतलब क्या कहते हैं उसको गोल्डन टाइम में जब थे तब उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन एक दो चीज़ ऐसा हुआ उनके साथ कि उनका प्राइस बहुत धड़ाम से नीचे चला गया। तो आपको ये भी देखना चाहिए। और जब कोई कंपनी डूबती हुई आपको दिख रही है उसका मैनेजमेंट, उसका बैलेंस शीट, उसका जो मतलब फंडामेंटल है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि खराब होता जा रहा है, तब आपको ऐसे स्टॉक से निकल जाना चाहिए आपको, क्योंकि तब आपका पैसा भी डूब जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो चीज़ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, पैसे की अहमियत वही समझता है जो पैसे कमाता है। स्टॉक मार्केट से अगर आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से पैसे कमाकर अपना घर चलाऊंगा, तो ये जो गलतफहमी है ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो दूर की सोच रखता है उसके पास शॉर्ट टर्म में कोई नहीं रहता, ना रहते हैं मतलब उनके चाहने वाले, ना रहते हैं उनके पास पैसे। क्यों नहीं रहते ये भी आपको समझना चाहिए। आप दूर की सोच रख रहे हैं, आपको 10 साल बाद बहुत ऊंचाई पर जाना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ बड़ा करना है। आप तब अपने काम को लेकर इतना मग्न हो जाते हैं, इतना मतलब उस काम को लेकर इतना ज़्यादा उसके पीछे अपना एफर्ट लगा देते हैं कि आप तब अपने चारों ओर क्या चल रहा है आप नहीं देखते। तब आप उस काम को मतलब उस मकाम को हासिल करने के लिए आप दौड़ते रहते हैं। उसी तरह आपने उस तब आप देखेंगे तब आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा, तब आपके पास आपके चाहने वाले भी आपके आपसे दूर जाते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप नहीं भटके और उस मकाम तक पहुंच गए तो आपके पास वो सारा चीज़ वापस फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह स्टॉक मार्केट में जब आप अच्छी कंपनी में निवेश करेंगे तो हो सकता है आपके पास थोड़े टाइम के लिए पैसे ना हो। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि घर चलाएंगे, ये उम्मीद मत रखिए स्टॉक मार्केट से। ये बहुत बड़े इन्वेस्टरों ने भी ये बात कह दी है कि यहाँ से घर चलाएंगे, तो ये गलती मत कीजिए। तो स्टॉक मार्केट को कभी भी अपना जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है ये मत बनाइए, क्योंकि तब आपका घर भी नहीं चल पाएगा। तो दूर की सोच रखिए, अच्छी कंपनी में निवेश कीजिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपका मकाम जो है वो हासिल नहीं हो जाता। तब तक मत रुकिए, ठीक है। तो आपको यही करना है जो मैंने यहाँ पर आपको कहा। डिसीजन लीजिए क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, सारा कुछ समझिए। और कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बाय या सेल 100 बार सोचिए, 100 बार गिनते हुए 100 बार सोचिए कि मैं क्या करूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ 100 बार मतलब ऐसा नहीं कि 100 बार ही सोचना है, 100 बार ही आपको सोचना है, 100 बार ही आपको सोचना है, गिनते हुए 100 बार सोचना है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर मैं क्या सोचता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा बताऊँगा। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, हो सकता है आपने बहुत बार स्किप भी कर दिया हो, ठीक है। अगर आपने स्किप किया कोई बात नहीं, दोबारा से सुन लीजिएगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और स्टॉक मार्केट से प्यार कीजिए, पैसा आप ज़रूर बनेगा। स्टॉक सिलेक्शन में गलती मत कीजिए और अच्छे स्टॉक को कभी भी किसी भी कंडीशन में बेचकर निकल जाने की गलती मत कीजिए। अच्छे स्टॉक्स को किसी भी कंडीशन में बेचकर निकल जाने की गलती मत कीजिए। तब आप जब वो स्टॉक भागने लगेगा तब आप इतना अफसोस करेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये गलती भी आपको नहीं करना है। कभी भी अपने कोर इन्वेस्टमेंट के ऊपर हाथ नहीं देना है, ठीक है। उसको रहने दीजिए, उसको बढ़ने दीजिए, ठीक है। वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट आपका एक दिन बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी हर संडे आपके लिए एक ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। तो कमेंट कीजिए क्या सोचते हैं आप मार्केट के बारे में, मार्केट कैसा लगता है आपको, ये सारा कुछ भी बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।